पहाड़ों से मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार। हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल। व्यास और पार्वती नदी उफान पर बरपा है। कुल्लू में बादल फटने के बाद आज सैलाब में समाई निर्माणाधीन इमारत। मणिकर्ण में हुआ हादसा, देखते देखते पलभर में जमींदोज हुई इमारत। बादल फटने के बाद दरिया में आए बहाव से उफान इतना तेज कि समूची इमारत देखते देखते जलमग्न। मणिकर्ण में दरिया में आए उफान से चप्पे चप्पे पर दर्ज दिखी तबाही की दास्तां। मलबे में तब्दील दिखा निर्माण कार्य। बादल फटने की तबाही का शिकार हुआ मलाड़ा वन और मलाड़ा टू पावर प्रोजेक्ट। पहुंची भारी क्षति, 32 लापता। कुदरत के क्रोध ने पहाड़ों पर विकास के रोडमैप पर सोचने को किया मजबूर। कुल्लू मनाली NH3 पर पूरे आवेग के साथ बहती दिखी व्यास नदी। हिमाचल के रामपुर में भी बादल फटने से बरपी तबाही। रफ्तार के साथ बहा दरिया, कई लोग फंसे। हिमाचल के रामपुर में दरिया में आए तूफान से फंसे लोगों को NDRF ने किया रेस्क्यू। रस्सी के सहारे सभी को पार कराया गया दरिया। मंडी में बादल फटने का बरपा कहर। खोलने पड़े डैम के गेट, नदियों में आया उफान। थलटूखोर में दो लोग लापता, दो शव बरामद। मंडी में दरिया में उफान से रिहायशी इलाके में बढ़ा संकट। SDRF के जवान किए गए तैनात। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी पर से दो पुल बहे। बारिश के बाद मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर। केदारनाथ घाटी में बिजली और संचार सेवा कल रात से ठप। गौरीकुंड के पार्किंग से भी कुछ गाड़ियों के बहने की सूचना। हरिद्वार में तेज बारिश के चलते क्रम गंगा नदी में बह गया। आसाम में आई तस्वीरें। हरिद्वार में तेज बारिश से गंगा नदी उफान पर। आसपास के इलाकों को प्रशासन ने किया सतर्क। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को भारी नुकसान। रामबाड़ा से लिंचोली को बीच जगह क्षतिग्रस्त हुआ मार्ग। जयपुर में देर रात आई बारिश के बाद एयरपोर्ट के बाहर पानी तस्वीरें आई सामने। जयपुर में आफत की बारिश जारी। शहर की सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, अस्पताल सभी बने दरिया। जयपुर से भारी बारिश में जगह जगह सड़कें धंसी। स्कूल की बस बीच सड़क पर फंसी। जयपुर में कच्ची बस्तियां हुई जलमग्न। विश्वकर्मा इलाके में एक परिवार तबाह, 3 मकान ढहे। सिविल डिफेंस की टीम मोटर से निकाल रही है घर से पानी। 4 लापता लोगों में से 3 के शव मिले। पिता समेत 3 बच्चे लापता। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 256। 90 सैकड़ों लोग लापता। 45 रिलीफ कैंप में रह रहे 3000 से ज्यादा लोग। राहत कार्य में जुटे 1500 बचाव कर्मी। आज वायनाड गए राहुल और प्रियंका गांधी। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। रिलीफ कैंप का भी दौरा। केरल के वायनाड समेत 5 जिलों के शिक्षण संस्थान में छुट्टी। मौसम विभाग ने आज केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केरल ने वायनाड तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। केरल के CM ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। वायनाड मामले में अलर्ट को लेकर केंद्र राज्य में आरोप प्रत्यारोप। अमित शाह बोले 23 जुलाई को ही राज्य को वार्निंग दी गई थी। CM विजयन का पलटवार, कहा घटना के बाद आया रेड अलर्ट। दिल्ली में भीषण बारिश से ITO से लक्ष्मी नगर तक रोड जाम। सड़कें तालाब में तब्दील। दिल्ली के दरियागंज इलाके में बारिश से स्कूल की दीवार ढही। दीवार के मलबे में कुछ खड़ी गाड़ियां फंसी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, जलभराव। रामलीला मैदान के पास से सामने तस्वीरें। टीवी गढ़वाल में बादल फटने से 3 की मौत। SDRF टीम बचाव में जुटी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का पानी प्रकाशन बैराज तक पहुंचा। ड्रोन फुटेज आया सामने। लखनऊ में भारी बारिश से जलभराव के बीच बदसलूकी की सामने आई तस्वीरें। वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में कल बारिश और जलभराव के दौरान अम्बेडकर पार्क के पास कुछ अराजक तत्वों ने की बदसलूकी। वहां से गुजरने वाले बाइक, स्कूटी और कार सवारों के साथ बदतमीजी। वायरल वीडियो पर लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने बदतमीजी करने वाले युवकों को किया चिन्हित। FIR दर्ज, 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में कल हुई भारी बारिश के बाद लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में सड़कों पर चली नाव। दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद। भारी बारिश के बाद केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली NCR ने बारिश को लेकर अलर्ट। 5 अगस्त तक बारिश का अनुमान। दिल्ली के LGV के सक्सेना ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दरियागंज के हैप्पी स्कूल की दीवार गिरी, सामने आई तस्वीरें। हिमाचल के 1 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। इंदौर, लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में 6 अगस्त तक बारिश का अनुमान। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल। कई जगहों पर जाम की स्थिति। दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले लेन पर लंबा जाम। रेंगती दिखी गाड़ियां। गुरुग्राम में बारिश के बाद ड्रेनेज और सीवेज का पानी पॉश इलाकों में घुसा। कॉलोनियों जलमग्न। सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली में बारिश के कारण कई हिस्से जल जमाव से जूझ रहे। MCD के सारे दावे।
खोखले, बारिश के पानी के कारण यातायात ठप। बारिश के बाद ओखला अंडरपास में हुआ जलभराव, लोग हुए परेशान, घंटों जाम में फंसी गाड़ियां। राजधानी में अचानक मौसम के बदलते मिजाज से कई जगहों पर जलभराव, जाम में फंसी गाड़ियां। नोएडा में झमाझम बारिश से थमे वाहनों के पहिए, देर रात तक लगा जाम, अधिकारी सड़क पर उतर जाम खुलवाते नजर आए। हरिद्वार में भारी बारिश के कारण घर की छत गिरी, दो की मौत, नौ घायल। दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण दुकान की छत गिरी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में भारी बारिश के बीच भी यूपीएससी अभ्यर्थियों का जारी रहा आंदोलन, फिर से ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी भरा, शासन का भ्रष्टाचार हर तरफ उजागर। कुछ ही घंटे में करीब 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश दिल्ली में दर्ज, मायूपुर मार्ग पर हुआ पानी जमा, एमसीडी के अधिकारियों कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर लगाया पंप। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जलभराव, बिजली के खंभे भी टूटे। जलजमाव के बीच दिल्ली के 12 फ्लाईओवर में पानी में फंसे वाहन। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के कारण संसद परिसर में हुआ जलभराव। गाजीपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास बारिश के चलते नाले में डूबने से दो की मौत। हल्द्वानी में बारिश के कहर, चकलुआ के पास राजमार्ग पर रामनगर, काशीपुर और देहरादून के लिए जाने वाला पुल बहा। श्रीनगर में डल झील में बारिश होने से गर्मी में मिली थोड़ी राहत, राहगीरों के हिले चेहरे। हरिद्वार में भारी बारिश की तबाही, सुखी नदी में बह गया कांवड़ियों का ट्रक। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन में हुआ जलभराव। बिहार के सासाराम में बारिश के बाद सदर अस्पताल में जल जमा। वाराणसी में गंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति, आरती स्थल बदला गया। यूपी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन, किम यूपी कर सकते हैं संबोधित। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच रहे जो अंशुमान गायकवाड़ का निधन, लंबे वक्त से बीमार। आज ओलंपिक ब्रॉन्ज पदक जीता सरबजीत सिंह पेरिस से पहुंचेंगे दिल्ली, दोपहर 1:30 बजे खेल मंत्री से मिलेंगे। एमपी के श्योपुर में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस ने एक खास समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एससी एसटी श्रेणियों को सब कैटेगरी में दिया जा सकता है रिजर्वेशन। इंडिया गठबंधन के बिहार के सांसद करेंगे प्रदर्शन, संसद भवन में बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर उठाएंगे आवाज। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे मामले में एमसीडी जारी करेगी बयान, ऐसे हादसों से बचने के लिए लिस्ट करेगा जारी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट फैसले की सुनवाई। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगी फैसला। कांवड़ मेले का तीसरा और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चरण चरम पर, डाक कांवड़ हजारों की संख्या में गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते आए नजर। गाजियाबाद मेयर मेरठ रोड से गुजरे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखाई दिए। पति कांवड़ लेने गया, पत्नी पीछे से प्रेमी के साथ भाग गई कांवड़ कार्यक्रम में, घर में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर हुई फरार। बुलंदशहर में कांवड़ खंडित होने पर हंगामा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को किया शांत, दो आरोपियों से पूछताछ। आपको यह हुआ बड़ा हादसा, बुलंदशहर से हरिद्वार कांवड़ लेकर जा रहे दो शिव भक्त ललित और गोपी की करंट से झुलसकर मौत। जयपुर में पढ़ाई के बहाने कमरा लेकर क्षेत्र के युवाओं को कर रहा था स्मैक सप्लाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोटा में कॉलेज छात्रा का मोबाइल लूटकर फरार हुए दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसनसोल में 220 रुपए के लिए युवक की हत्या, 10 साल के बच्चे पर चोरी का आरोप लगाकर बच्चे के सामने उतारा पिता को मौत के घाट। सूरत में पुलिस ने नकली वकील और सरकारी ऑफिस के नाम पर नोटरी कर दस्तावेज बनाने वाले राकर का किया भंडाफोड़, दो लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में शिक्षक ने छात्रा को बोले आपत्तिजनक शब्द, छात्राओं ने काटा हंगामा, अभिभावकों ने शिक्षक को घेरा, शिक्षक बोला आरोप गलत। तेलंगाना में दुर्घटना के बाद गर्भवती महिला की मौत, सड़क पर पड़ा दिखा धूम। मुंबई एयरपोर्ट के विमान पार्किंग में रैंप पर मिला सांप, सांप दिखने से कर्मचारियों में हड़कंप। उदयपुर मॉल में कपड़े के शोरूम में चोरी के आरोप में 3 गिरफ्तार। अमरावती में नवनीत राणा अस्पताल पहुंची, चाकू से हमले के मामले में नाबालिग पीड़िता से मुलाकात। नाले में मुहर्रम के झंडे फेंके जाने से दरभंगा में सड़कें अवरुद्ध, लोगों में गुस्सा।